वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 एक्सरसाइज 4.4। ओके, तो बेटा देखिए, इसमें एक्सरसाइज 4.4 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपके कुछ सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। अननोन नंबर को निकालना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एड 4 to 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर यू गेट 60। एड 4 to 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो सबसे पहले लेट करिए नंबर क्या है आपके पास। नंबर लेट करिए बेटा आपका एक्स है, बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है एड 4 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर गेट 60। ओके, आपसे बोला गया है एड फोर एट टाइम्स ऑफ ए नंबर, चार एड करना है, किसमें एड करना है, किसी नंबर के 8 टाइम्स है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 60। क्या मिलेगा हमें बेटा 60। तो व्हाट इज द नंबर, नंबर पूछा गया है। तो बेटा देखिए, 8x आप जानते हैं यहाँ प्लस का है, तो उधर जाके आपको क्या हो जाएगा माइनस का। 8x 60 में आपका 56 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 56 बाय 8। 8 7 जा 56, x की वैल्यू कितनी होगी 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। 8 7 जा आपकी कितनी आ गई 56 वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को। इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव 3। 1/5 ऑफ ए नंबर, तो नंबर लेट करिए हमेशा, नंबर लेट करिए आपका x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/5 माइनस 4, इसमें माइनस 4 करते हैं गिव 3, हमें क्या देता है 3 देता है। x बाय 5 इक्वल टू 3 प्लस 4, 4 उधर चला गया आपका, x बाय 5 इक्वल टू 4 प्लस 3 7। क्लियर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू होगी 5 × 7, x की वैल्यू आपकी आ गई 35। x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 35 आपकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा आप लोगों की 35 आ गई। ओके, सी अब देखो, उसको सी पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है। सी में बोला गया बेटा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। क्या बोला गया इसमें आपके पास, बोला गया व्हेन आई, देखिए इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर हम यहाँ पे वही मान लेते हैं, नंबर हम मान लेते हैं एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें बोला गया है इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए, 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का अगर मैं 3/4 लेता हूं, 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 टू इट एंड एड 3 टू इट वी गेट 21। एड 3 टू इट, इसमें अगर 3 एड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 21 मिल जाएगा, हमें आई गेट 21। तो देखिए 3x बाय 4 इक्वल टू 21 माइनस 3, 3x बाय 4 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है, ठीक है 18। तो 3x इक्वल टू 18 इंटू 4, x इक्वल टू 18 इंटू 4 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, तो x वैल्यू कितनी होगी आपकी 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। x वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 4 इक्वल टू कितनी होगी बेटा आपकी 24 आपकी वैल्यू हो गई है। क्लियर है, आगे देखिए इसका डी देखते हैं। इफ आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, क्या बोला गया बेटा आपका, डी में नंबर लेट कर लेते हैं पहले आपका एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करेंगे, इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डी पार्ट के, ठीक है। इसमें डी पार्ट में आपको बोला गया बेटा यहाँ पे कि व्हेन आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, व्हेन आई सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर के ट्वाइस में से अगर 11 माइनस करते हैं, द रिजल्ट वॉज 15, रिजल्ट 15 मिलता है। 2x इक्वल टू 15 प्लस 11, 2x इक्वल टू 516112, x की वैल्यू कितनी होगी 26 बाय 2 इक्वल टू 13, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई, x की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 13 आ गई आप लोगों की, ठीक है। अब आपके पास देखिए e, ठीक है, आपके पास आ गया e में बोला गया है मुन्ना सबट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक he has from 50, he find the result to be 8. Munna subtract thrice the number of notebook he has from 50, he find the result be 8. तो ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद से ट्राई करना है, आपसे इसमें क्वेश्चन आपकी बनेगी, लेट नंबर m लेंगे और आपका इक्वेशन बन जाएगी 50 माइनस 3m, क्यों बनेगी, क्या बोला गया इसमें, मुन्ना सबट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास टोटल 50 नोटबुक है, उसमें से थ्राइस माइनस करनी है 3m, 50 माइनस 3m ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, उसका रिजल्ट आता है इक्वल टू 8 आ जाएगा, आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो पहले बेटा इतना नोट करिए, उसके बाद तब हम f और g भी करते हैं, करिए नोट बेटा इतना, ठीक है।
ओके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, आगे देखते हैं हम लोग। Eben L thinks of a number, एक नंबर के बारे में सोचता है। If she add 19 to it, अगर उसमें 19 add करता है, divide the sum by 5, sum को 5 से divide करता है, she will get 8, उसे 8 मिलता है, ठीक है? F देखिए बेटा, F में क्या बोला गया? स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखते जाएंगे F में, ठीक है? कि F में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? आपसे बोला गया है, Eben L thinks a number, ठीक है? तो एक नंबर के बारे में सोच रहा है, तो नंबर हम मान लेते हैं X। जब भी कोई सोचेगा नंबर के बारे में आपका क्या हो गया? X। If she add 19 to it, if she add according to question, इस नंबर में क्या करा उसने 19 ऐड करा। If she add 19 to it, उसमें 19 ऐड करा, divide the sum by 5, और जो sum आएगा उसको किससे divide किया 5 से। Divide the sum by 5, जो sum आया उसको किससे divide किया 5 से। She will get 8, उसको कितना मिला बेटा आपको? उसको 8 मिला, उसको कितना मिला? उसको 8 मिला। दोबारा सुनिए, उसने क्या करा आपका? एक नंबर था, नंबर में क्या ऐड किया उसने? 19 ऐड करा। जो नंबर निकल के आया उसको किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया, और आंसर क्या आ गया हमारे पास? सी विल गेट 8, उसे क्या मिला? 8 मिला। तो x प्लस 19 इक्वल टू 8 इंटू 5, x प्लस 19, 8 5 40 हो जाएगा, x की वैल्यू 40 माइनस 19, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 21 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 21 आ गई। x कितना आया आपका? नंबर क्या सोचा था उसने? नंबर सोचा था 21। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आ रही होगी आपको बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक सामने रखिएगा बेटा, आपको समझ आता जाएगा साथ साथ। एफ के बाद अगला है जी, एफ के बाद अगला है जी। बोला गया है आंसर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इफ ही हैड टेकन अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, इफ ही आपके पास क्या करा बेटा इसने? 7 टेक्स अवे 5/2 ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 11/2, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर मान लेंगे x, नंबर मान लेंगे x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ट्राई करेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, आंसर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, ठीक है? किसी नंबर के 5/2 में से क्या माइनस करा? 7 माइनस करा। इफ क्या कह रहा है कि आंसर थिंग, इफ ही टेक्स अवे 7, 7 हटाता है किसमें से? 5/2 ऑफ ए नंबर, नंबर की 5/2 में से 7 माइनस करता है, द रिजल्ट इज 11/2। जो रिजल्ट हमें मिलता है क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे रिजल्ट इज 11/2। तो देखिए 5x/2 इक्वल टू 11/2 प्लस 7, 11/2 प्लस 7, तो देखिए आपका हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 7 को जब 14, 11 प्लस 14 बाय 2, 2 से 2 गया, 5x इक्वल टू 415112, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 25/5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है आपकी वैल्यू? 5 आ चुकी है। वेरी गुड, ठीक है? तो देखिए बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगे। इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको परेशान करेगा। क्लियर है? तो इसको नोट करिए, इसको समझिए अच्छे से, फिर हम इसके अगले वाले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। करिए अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमारे पास? सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में देखिए, आपको बोला गया है द टीचर टेल द क्लास, टीचर ने क्लास में बोला दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। उसने बोला टीचर एक क्लास में गया, उसने कहा क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है किसी बच्चे ने लिए हैं ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, किसके इक्वल है? लोएस्ट मार्क्स जो भी हैं उसके दुगने में 7 ऐड कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। तो उसने बोला गया है हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर हमारे पास 87 है, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? क्या लोएस्ट स्कोर क्या चीज है, ठीक है? कितना है मतलब? तो हम क्या मानेंगे? लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर हम मानेंगे यहाँ पे क्या है बेटा आपका? एक्स है। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना है आपका? हाईएस्ट स्कोर आपके पास है 87। कितना है आपका? 87, ठीक है? लोएस्ट स्कोर आपका एक्स मान लिए जिसको फाइंड आउट करना, हाईएस्ट आपको दिया पड़ा है 87 है। क्लियर है? अब आपसे बोला गया है टीचर टेल द स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। अब देखिए इसमें बोला गया है
कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस को करते हैं, लोवेस्ट मार्क्स के जो मार्क्स है उसमें टू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सेवन ऐड करें तो हमारे किसके इक्वल हो रहा है आपका, ये 87 के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है हमारा, 87 के इक्वल हो रहा है। देखिए क्या बोला दोबारा, आपके लोवेस्ट स्कोर के ट्वाइस में सेवन ऐड कर दे तो हाईएस्ट स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? तो आपके पास आ जाएगा 2x = 87 - 7, 2x 87 - 7 आपका 80 आ जाएगा। x की वैल्यू 80/2 आपको कितना आ गया, x की वैल्यू आपकी 40 आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी बेटा, x की वैल्यू 40 आ गई। दैट मीन्स लोवेस्ट स्कोर कितना होगा उसका, लोवेस्ट स्कोर आपके पास का 40 है। कितना आपका उसका 40 है। ओके अब देखिए बी को देखते हैं, तो बी में क्या बोला गया है, ठीक है। इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40, वट आर द बेस एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, रिमेंबर द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझिए आइसोसेलस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलस ट्राइंगल बेटा वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इसको एक्स एक्स मान लेते हैं। और वर्टेक्स एंगल उसने कितना बोला है, वर्टेक्स एंगल बोला है इसका 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल कितना बोला गया इसमें, 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसके पास अकॉर्डिंग क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन में। तो बेस एंगल्स, ठीक है, आपके बेस एंगल्स जो हमारे पास हो गए उसे हमने क्या मान लिया, एक्स एंड एक्स। ठीक है, बेस एंगल्स क्या हो गए, एक्स हो गए। बेस एंगल क्या हो गया बेटा इसके, एक्स हो गए। क्लियर है? आगे हमसे बोला गया है यहाँ पे बेस एंगल आपके पास, यहाँ पे बेस एंगल आपके पास हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और क्या मान लिए, एक्स मान लिए बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल कितना हमारे पास, जो वर्टेक्स एंगल है बेटा कितना है, वर्टेक्स एंगल हमारे पास 40 डिग्री है। वर्टेक्स एंगल कितना हमारे पास, 40 डिग्री है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? आइसोसेलस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती है, थर्ड आपका वर्टेक्स होता है, दो साइड इक्वल है तो इसलिए अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। वर्टेक्स एंगल आपको 40 गिवन है। क्लियर है? आगे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वी नो एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। होता क्यों है, 180 डिग्री क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है बेटा आपका, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? एंगल आपका ए 40 है, बी आपका एक्स है, सी आपका एक्स है, और आपका 180। तो 40 + 2x = क्या हो गया आपका, 180। 2x = 180 - 40, 2x 180 में से क्या माइनस करा हम लोगों ने, 40 माइनस कर दिया। तो देखिए 2x की वैल्यू कितनी होगी, 180 - 40 140 आ गई। तो x की वैल्यू 140/2, तो आपके कितना आ गया, 70 डिग्री। तो हमारे पास बेस एंगल कितने आ गए बेटा आपके, बेस एंगल हमारे पास ये कैसे एंगल है हमारे पास, ये बेस एंगल्स है। कैसे है ये, बेस एंगल्स। बेस एंगल्स कैसे हो गए हमारे पास, 70 डिग्री। बेस एंगल्स कितने हो गए बेटा आप लोगों के, 70 डिग्री। और बेस एंगल कौन कौन से हमारे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारे कैसे हैं, बेस एंगल्स। और दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं आपके, इक्वल है। ओके, पहले इतना नोट करिए तब आगे करते हैं हम लोग। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन बोला गया है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल। ओके, सचिन का जो स्कोर है वो ट्वाइस है राहुल से। ओके, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। अगर दोनों के रन्स को मिला दिया जाए तो टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी होने में दो कम रह गए। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, कह रहा है हर किसी ने कितने रन्स स्कोर करे हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, हर किसी पर्सन ने कितने रन्स स्कोर करे हैं। ओके, हम सी पार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सी पार्ट में सचिन स्कोर ट्वाइस एज राहुल। तो देखिए हम राहुल को मानेंगे, राहुल स्कोर, राहुल ने मान लेते हैं एक्स रन स्कोर करे, कितने करे, एक्स रन स्कोर करे, मतलब उसने एक्स रन बनाए। कितने रन बनाए बेटा आपने, उसने एक्स रन बनाए। क्लियर है?
जब उसने एक्स रन बनाया तो सचिन कितने बनाएगा, सचिन का स्कोर कितना हो गया बेटा आपका, सचिन स्कोर जो आपके पास हो गया, सचिन स्कोर 2x रन्स, कितने रन बनाए सचिन ने 2x रन्स बनाए। ओके अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल रन्स जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी 200 की होती है, उसमें दो शॉर्ट रह गए, दैट मीन्स टोटल रन कितने बने, 198 रन बने, कितने रन बने, 198 रन बने, तो टोटल रन मन दैट मीन्स किसके रन हो गए बेटा, राहुल के रन हो गए और सचिन के रन हो गए, राहुल प्लस सचिन रन, इनके रन हो गए कितने बने, 198। टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी समझ रहे होंगे आपके, यहाँ पे लिखा हुआ है टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, तो टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी का मतलब डबल सेंचुरी होने में दो रन रह गए थे, डबल सेंचुरी होने में दो रन रह गए थे, ठीक है, तो टोटल रन आ गए आपके 198, राहुल के रन आ गए, सचिन के रन आ गए, दोनों को ऐड कर लिया, उनके मिलके क्या होंगे आपके पास टोटल रन 198 आ गए, ठीक है। अब देखिए राहुल ने जो रन स्कोर करे वो आपके x करे और सचिन ने जो रन स्कोर करे उसने 2x करे, तो 198, तो 2x प्लस 3x आ गया 198, तो x की वैल्यू कितनी होगी 198 बाय 3, तो 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 66, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 66, तो राहुल के रन हो गए 66 रन राहुल के हो गए और इसके 66 इंटू 2 कितने हो गए 132 रन इसके स्कोर कर लिए, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को बातें, तो ध्यान रखना बेटा लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझने के बाद स्टेटमेंट बनानी है, उसकी स्टेटमेंट को फिर सॉल्व करना है, तो आपको तरीके से सारी चीज समझ आ जाएंगी। राहुल ने स्कोर करे एक्स रन, सचिन ने स्कोर करे ट्वाइस ऑफ राहुल रन जितने उसने स्कोर करे, तो टोटल रन कह रहे टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी होने में दो रन रह गए थे, तो 198 रन बने हैं, तो दोनों के रन को ऐड करा हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 66 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 66 आ गई, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें बोला गया बेटा आपको इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज, इरफान हैज 37 मार्बल, हाउ मेनी मार्बल डस परमिट है, तो बेटा देखिए हम मान लेते हैं परमिट के पास कितने मार्बल है, m मार्बल है, ठीक है, परमिट के पास कितने मार्बल है, जो परमित है उसके पास मार्बल है, परमित मार्बल आपके पास कितने हो गए, m, कितने हो गए, m मार्बल हो गए। अब जो आपके पास है इरफान से 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स, ठीक है, इरफान के पास कितने हैं, इरफान के पास है 5m+7, 7 मार्बल 5 टाइम्स ऑफ परमित, ठीक है, और टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल है आपके पास, टोटल मार्बल एट इरफान, ठीक है, इरफान के पास जो टोटल मार्बल है कितने आपके पास 37, तो आपके पास देखिए 5m+7 कितना आ जाएगा बेटा 37, 5m = 37 - 7, 5m = 30, तो 5 6 30, m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो परमित के पास कितने मार्बल आ गए बेटा, परमित के पास आ गए 6 मार्बल, कितने मार्बल आ गए 6 मार्बल। बी देख लेते हैं, इसमें बी में बोला गया है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मी एज, ओके व्हाट इज द लक्ष्मी एज, तो आपके पास लक्ष्मी की एज मान लेते हैं, जब बोला लक्ष्मी की एज मान लेते हैं एक्स ईयर है, क्या है एक्स ईयर है, किधर लक्ष्मी की एज क्या है आपकी एक्स ईयर है, क्लियर है, उसके हर फादर जो फादर की एज है कितनी है आपके पास, फादर की जो एज है, फादर की एज क्या बोली गई बेटा ध्यान से सुनना, फादर की एज बोली गई है क्या आपके पास 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, और कितनी एज आ गई उनकी, उनकी जो एज दी पड़ी है 49, कितनी दी पड़ी आपको 49, तो 3y = 49 - 4, 3y = 45, तो y = 15, तो कितनी एज आ गई उसकी, लक्ष्मी की कितनी एज आ गई बेटा, लक्ष्मी जो आपके पास लक्ष्मी की जो एज आ गई वो आपकी कितनी आ गई 15 ईयर, कितनी आ गई आपकी 15 ईयर, जो लक्ष्मी की एज आ गई वो आपकी कितनी आ गई बेटा 15 ईयर, क्लियर है, तो इसे नोट करिए, उसके बाद
एक क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट थ्री करते हैं। चलिए स्पेस है, पीपल ऑफ सुंदरगढ़ ग्राम प्लांटेड टोटल 102 ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर टू मोर देन द थ्री टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। ओके, तो इसमें ध्यान रखना बेटा, आपके पास टोटल फ्रूट ट्री आपके पास बोला गया है सी, फ्रूट ट्री आपके पास बोला गया है, फ्रूट ट्री है वो आपके पास क्या है टी, फ्रूट ट्री कितने आपके पास टी। और देखिए नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री जो बोला गया है थ्री टाइम्स, नॉन फ्रूट ट्री जो फ्रूट नहीं देते, दैट मीन जो नॉर्मल है नॉन, थ्री टी प्लस टू, थ्री टी प्लस टू है आपके पास। और टोटल ट्री कितने लगे हैं, टोटल ट्री आपके पास हो गए, टोटल ट्री जो हो गया हमारे पास कितने हो गए 102, दैट मीन्स आपके पास आ गया टी प्लस थ्री टी प्लस टू, तो आपका 102 माइनस टू इक्वल टू 40, 100 इक्वल टू 40, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 25 ट्री, ट्री कितने आ गए टी आ गए 25 ट्री, कितने आ गए हमारे पास 25 ट्री, कौन से ट्री आ गए फ्रूट ट्री, कौन से ट्री आ गए फ्रूट ट्री, आगे बात समझ फ्रूट ट्री, क्लियर है, नोट करिए बेटा, पहले इतना नोट करिए, शाबाश। इसके बाद देखेंगे आप लोग, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड मी 50 टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी, यू नीड 40। ओके, तो इसे क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना है, टेल माई, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड 50 टू रीड रीच अ ट्रिपल सेंचुरी टू एड मी 40। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर आपका 4 है, कोई नंबर 7 टाइम्स प्लस कह रहा है उसमें 50 ऐड करिए, और फिर कह रहा है कि ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए 40 ऐड करा है, तो आपने यहाँ पे एन बताना है, ये आपका टास्क है, होमवर्क है, क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक करते हुए जरूर जाइएगा बेटा, और आपने अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।